कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। इस समय पहुंचे हम रतनपुरा ब्लॉक शहीद स्मारक के। यहां आज जो वीडियो में आप देख रहे हैं 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां लोगों का हुजूम आज देखने को मिलता है। इससे यह पता चलता है कि जो भी शहीद हुए हैं, जो भी बलिदान हुए हैं 19 अगस्त को, उनके बलिदान पे एक नज़र डाला जा रहा है और उनको याद किया जा रहा है। ऐसा याद किया जा रहा है ये कभी भूलने योग्य है नहीं। आप अंदर आइए और दिखाएंगे दृश्य। आगे चला, आगे चला, आप करते रहिए आगे, धीरे धीरे मारते रहिए। आगे चलो, दूरी बढ़ाओ। मोबाइल ही आने का देखा था पूछा। ये जनाब जो देख रहे हैं, ये पर्चे के मोहताज नहीं, ये पूरे प्रदेश देश में अपना एक नाम का अलख जगाया है। राइट ले लीजिए, राइट सीधे चल जाए। अमर शहीदों का बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय।
मित्रों, बलिया बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष की बात इस बार भी हम लोग शहीद चौक से चले और शहीद स्मारक दिवस बलिया बलिदान दिवस का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कल 10 बजे हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उस बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम में अवश्य ही उपस्थित हूँ, और जितना भी संभव हो सके जितने भी लोगों को ला सके उनके साथ हम इस बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करें। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पीछे एक चबूतरा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ब्लॉक प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्णा राजभर जी, एक निवेदन पर आपने स्वीकार किया और शहीद स्थल का भूगोल अब काफी लंबा चौड़ा होने जा रहा है, काफी आकर्षक और सुंदर होने जा रहा है। इसके लिए मैं एक बार इनको आप सबके तरफ से बधाई देता हूँ, एक बार ताली इनके नाम पर दिया आपको। और हमारे बीच में अजय जी बैठे हैं, अजय जी से भी मैंने निवेदन किया था कि जिस प्रकार बलिया में एक कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, प्रशासनिक कार्यक्रम के स्तर पर होता है, उस तरह रतनपुरा का के भी कार्यक्रम को दर्जा मिले। अजय जी ने बात आगे बढ़ाई है, आपने आश्वासन दिया है, आपने अभी कहा है कि अगले बार से एक कार्यक्रम रतनपुरा का भी प्रशासनिक स्तर से होगा। इसके लिए मैं अजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबके बार निवेदन करता हूँ उनके नाम पर भी आप ताली बजाएं। भारत माता की जय। मित्रों, कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को पाथे नहीं बनाता है तो ज्यादा दिन चल नहीं पाता। 19 नवंबर 1989 को 8 ब्लॉक आजमगढ़ और 1 ब्लॉक बलिया जिले का लेके मऊ जनपद का गठन किया गया, लेकिन रतनपुरा विकास खंड जो बलिया जनपद का एक हिस्सा था, यहाँ के सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, वो प्रतिभाग किया था कि सारे लोग रतनपुरा के सेनानियों के सम्मान में, रतनपुरा के सेनानियों का जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। 16 अगस्त 1942 जब रतनपुरा के सेनानियों ने अपना जलवा रतनपुरा में दिखाया था और गांव-गांव से सैकड़ों लोग चले थे, सबसे पहले रतनपुरा का स्टेशन फूंका गया था, रतनपुरा का बीज गोदाम फूंका गया था और भीड़ ने जब थाने को घेरा था तो हलदलपुर के थानाध्यक्ष ने